आज का हमारा टॉपिक है कार्डिक साइकिल। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हार्ट की साउंड्स के बारे में, और उससे पहले हमने जो है हार्ट बीट के बारे में बात की थी। अब हमने जो हार्ट बीट के बारे में बात करी थी, वो बीट कैसे होता है और उससे कार्डियक साइकिल कैसे रिलेट करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कार्डियक साइकिल बेसिकली, कार्डियक साइकिल में आता है ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट डायस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड का होता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ये अभी हमने पढ़ा भी था। आज हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं कि 72 हार्ट बीट इन 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स के अंदर हमारे पास डेवलप होती है 72 हार्ट बीट्स, तो 1 हार्ट बीट का टाइम क्या होगा, दैट इज 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 72 means approximately 0.8 second. अब ये जो 0.8 second होता है, ये divided होता है दो parts में, heart के systolic condition में and diastolic condition. Heart का systole का मतलब क्या है कि heart की muscles का contract करना, और heart के diastole का मतलब क्या है कि heart के muscles का relax कर जाना। अब auricle contract करेगा, auricle relax भी करेगा, similarly ventricle भी relax करता है और ventricle contract भी करता है। तो इस बेस पर हमारे पास क्या होता है कि जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो उस टाइम पर एक पल्स जनरेट होती है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या नॉर्मली भी अगर ब्लड प्रेशर लिया जाता है तो वहां पर पल्सेस भी आती हैं। ये जो पल्सेस होती हैं, ये फील होती हैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टोल के टाइम पर, और सिस्टोल के टाइम पर भी इनको फील किया जाता है लव एंड डव के साउंड के बीच में। लेकिन एट द टाइम ऑफ डायस्टोल हमारी कोई भी पल्स नहीं बनती है, यानी कि जो 0.4 सेकंड का टाइम है, जो जॉइंट डायस्टोल का टाइम है, उस टाइम पर हमारी कोई पल्स जनरेट नहीं होगी। और 0.4 सेकंड का टाइम जिसमें हमारा ऑरिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन में है और वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन में है, उस टाइम पर ही पल्स जनरेट होगी। नेक्स्ट इज कार्डियक साइकिल जो होता है। कार्डियक साइकिल बेसिकली हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों का 0.8 सेकंड का होगा। अब दोनों के अंदर ही सिस्टोल भी होगा और दोनों के अंदर डायस्टोल भी होगा। हम बोलते हैं कि ऑरिकल का सिस्टोल कितना है 0.1 सेकंड का, तो डायस्टोल कितना होगा 0.8 - 0.1, दैट इज 0.7 सेकंड्स का। वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है वो होता है 0.3 सेकंड्स का, और वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.8 - 0.3, दैट मींस 0.5 सेकंड्स का। अब जॉइंट डायस्टोल जो हमने निकाला था, दैट इज 0.4 सेकंड, वो निकलता कैसे है कि जो हमारे कार्डियक साइकिल है, दैट मींस 0.8 सेकंड, उसमें से अगर हम ऑरिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल प्लस करके माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होता है हमारा जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन, यानी कि 0.1 प्लस 0.3 को अगर हम 0.8 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.4 सेकंड की। तो 0.4 सेकंड इज जॉइंट डायस्टोल। सो इन दैट वे कार्डियक साइकिल के अंदर जब ऑरिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन में होता है तो वेंट्रिकल उस टाइम पर डायस्टोल होता है। ऑरिकल का सिस्टोल खत्म होकर जैसे ही ऑरिकल डायस्टोल की कंडीशन में जाता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है, और फॉर अबाउट 3 सेकंड्स वेंट्रिकल जो होता है हमारा वो जाता है सिस्टोलिक कंडीशन में, फिर वेंट्रिकल भी जो होता है हमारा वो डायस्टोलिक कंडीशन में, यानी कि रिलैक्सेशन में चला जाता है। इन दैट वे यहाँ से जो 4 सेकंड्स होंगी वो चाहे ऑरिकल की हो चाहे वेंट्रिकल की हो, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, तो ये 0.4 सेकंड कहलाता है जॉइंट डायस्टोल, और यहाँ पर ऑरिकुलर सिस्टोल एंड दिस वन इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो दिस इज आवर कार्डियक साइकिल। होप आप लोगों को कार्डियक साइकिल क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आस्क फेलो।